ஓம் பூர்ணமதஃ பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. நாமாபிதே ச மதுரம் மதுரம் ஸ்வரூபம், கர்மாபிதே ச மதுரம் மதுரா ஸ்மிருதிஶ்ச. புத்திம் பிரபோதய பிரபோ மதுபோதசக்திம், வித்யாம் பிரயச்ச பரமாம் பரிபாவயாமி. கோமலம் கூஜயன் வேணும் ஷ்யாமலோயம் குமாரகஹ, வேதவேத்யம் பரம் பிரம்ம பாசதாம் ஹ்ருதயே மம. நாராயணாகில குரோ பகவன் நமஸ்தே, நாராயணாகில குரோ பகவன் நமஸ்தே, நாராயணாகில குரோ பகவன் நமஸ்தே. சிவாய நம, சிவலிங்காய நம, நமோ மஹத்ய. बृहदारण्य उपनिषद एक एक प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पृष्ठ 20 आनंदगिरि टीका. एवं उपनिषदारंभे स्थिते प्राथमिक ब्राह्मणयोरवांतर तात्पर्यमाह तत्र तावत् इति. उपनिषदों का परम तात्पर्य या महातात्पर्य तो ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान और उसके प्रभाव से जन्म मृत्यु की अनादि परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद, सकल दुख निवारण, सच्चिदानंद मात्र होकर अवस्थान है. लेकिन अवांतर तात्पर्य श्रवण मनन निध्यासन की योग्यता का समर्जन है, चित्त की शुद्धि और समाधि है, वैराग्य और उपरति की प्रतिष्ठा है. उस अवांतर तात्पर्य को भाष्यकार की दृष्टि का अनुगमन करते हुए श्री आनंदगिरि महाभाग प्रकट करते हैं. एवं उपनिषदारंभे स्थिते प्राथमिक ब्राह्मणयो अवांतरम तात्पर्यमाह तत्र तावदिति. तत्र तावत् अश्वमेध विज्ञानाय उषा वा अश्वस्य इत्यादि भाष्य की पंक्ति. जैसे आम का कोई वृक्ष लगाता है सुमधुर फल की प्राप्ति उसका मुख्य लक्ष्य होता है, परंतु छाया इत्यादि की प्राप्ति अवांतर तात्पर्य भी है. पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध वायु की प्राप्ति अवांतर तात्पर्य, ईंधन की प्राप्ति अवांतर तात्पर्य है. आम के पत्ते का उपयोग करके, विविध अवयवों का उपयोग करके विविध रोग के निवारण को भी अवांतर तात्पर्य माना गया है. इसी प्रकार
बृहदारण्य का उपनिषद ने सर्वप्रथम ब्रह्म का निरूपण न करके अश्वमेध में मुख्य घटक अश्व का वर्णन किया। उसका अभिप्राय वैराग्य की परिपुष्टि है और आत्मानुसंधान में प्रीति प्रवृत्ति का उदय है। वैराग्य की दृष्टि से हिरण्यगर्भ जो कि सर्वजीव घनात्मक है, जीवों में सर्वोत्कृष्ट स्थान उसी का है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे महासर के प्रारंभ में सर्वप्रथम उसकी अभिव्यक्ति भी मान्य है। लेकिन वह भी कार्य ब्रह्म है, उससे अतीत कारण ब्रह्म, उससे अतीत कार्य कारणातीत पर ब्रह्म है। कार्योपाधिरयम जीव है, कारणोपाधिर ईश्वर है। शुक रहस्य उपनिषद का यह कथन है। हिरण्यगर्भ का और उनके लोक सत्य का बहुत महत्व है। छांदोग्य उपनिषद में 8वें अध्याय सन्निहित है। शंकर भाष्य वहाँ का यहाँ हो चुका है। हिरण्यगर्भ के लोक की, हिरण्यगर्भ के विग्रह की दिव्यता का वहाँ वर्णन किया जा चुका है। दिव्य चक्षुर गम्य हिरण्यगर्भ का स्वरूप है। समग्र सूक्ष्म प्रपंच में तादात्म्यपन्न चिद्धातु का नाम हिरण्यगर्भ है। वह समग्र स्थूल प्रपंच का व्यष्टि और समष्टि दोनों दृष्टियों से नियामक है और उसमें कारणोपाधिक सच्चिदानंद सर्वेश्वर की अनुगति है और तत्वता वह भी सच्चिदानंद घन ही है। तथापि भूख प्यास आदि जो द्वंद्व हैं, इनकी जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक जीवत्व है। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम कहते हैं तो सर्वथा निर्द्वंद्व और निर्गुण तो भगवत तत्व ही है। तो यहाँ युगपत प्रकारांतर से दो योग्यता की प्राप्ति अश्वमेध की धारणा से होती है। पहली तो यह कि सकल कार्य भूमि से अतीत कारण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्थूल प्रपंच और उसमें तादात्म्यपत्ति का निरसन अपेक्षित है। वह तभी संभव है जब व्यष्टि समष्टि दृष्टि से हिरण्यगर्भ के साथ हमारी तादात्म्यपत्ति हो। तयोर व्यष्टि समष्टिता पंचदशी। अब हमको हिरण्यगर्भ तक ही रुकना नहीं है, परोवरीय क्रम से कारणोपाधिक चिद्धातु तक और कारणातीत परमात्मा तक पहुंचना है। पूर्वापेक्षा उन्नत भूमि हिरण्यगर्भ की है, लेकिन जहां हमको पहुंचना है वह तो सूर्यमंडल हिरण्यगर्भ की परिधि उससे भी अतीत है। अतः हिरण्यगर्भ में क्षमता है कि कोई जीव विशेष कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप
महासर के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ होकर जन्म लेता है, लेकिन हिरण्यगर्भ बद्ध होकर देह त्याग नहीं करता। तो हिरण्यगर्भ में जीवत्व भी है और जीव से अतिक्रांत होने का बल तथा वेग भी है। जितने अंशों में जीवत्व है उतने अंशों में हिरण्यगर्भ पद से भी वैराग्य अपेक्षित है, लेकिन हिरण्यगर्भ की तादात्म्यपत्ति होने पर व्यक्ति स्वतः जीवत्व का पक्षधर नहीं रहता। हिरण्यगर्भ नास्तिक नहीं होते ना। श्रीमद्भागवत इन सब को ठीक से समझने के लिए भागवत आदि पुराण का अध्ययन बहुत आवश्यक है। दार्शनिक तो बन गए, पुराणों की निंदा करते हैं तो दार्शनिक नहीं है, दार्शनिकता के नाम पर उन्माद पालते हैं। वेदों का तात्पर्य, उपनिषदों का तात्पर्य पूर्ण रूप से पुराणों का, महाभारत, वाल्मीकि, रामायण का अध्ययन करने पर ही संभव है। श्रीमद्भागवत में आता है कि देवर्षि नारद ने बहुत प्रशंसा की हृदय से अपने पिता ब्रह्मा हिरण्यगर्भ की। चुपचाप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सुनते रहे। बाद में कहा, भगवान की उस माया को नमस्कार है जिसके द्वारा मोहित होकर तुम मुझी को सर्वस्व परमात्मा समझते हो। मैं सर्वस्व परमात्मा नहीं, मेरे विनियामक भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर है। यह उत्तम बात, उत्तम कोटि के महापुरुष का लक्षण हुआ या नहीं? नारद जी की दृष्टि में तो नारद जी कोई चापलूसी का परिचय नहीं दे रहे थे। हिरण्यगर्भ का स्वरूप ही इतना दिव्य है, लेकिन नारद जी की दृष्टि वहीं तक, प्राण और प्रज्ञा तक सीमित। तो उन्होंने कहा, बेटा मुझमें भी तुम्हें कुछ दिव्यता दिखाई पड़ती है, ठीक है, लेकिन समझ लो मेरे भी गुरुदेव, इष्टदेव, उद्गम स्थान भगवान श्रीमन नारायण है। यह तो माया की चमत्कृति है कि व्यक्ति मुझे ही सर्वोत्कृष्ट सर्वेश्वर मान लेता। हम लोगों की कोई प्रशंसा करे तत्काल हमको कष्ट होता है, ठीक है, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से कुछ उपलब्धि है, लेकिन जिनके कारण प्रशंसा का पात्र माना जाता हूँ वो कौन है? गुरु गोविंद और ग्रंथ। तो हम किसी को अपने में तो नहीं जोड़ सकते, जोड़ने का भाव भी नहीं रखते। हम तो गुरु गोविंद और ग्रंथ की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं, धर्म और ईश्वर की ओर जोड़ते हैं। तो हिरण्यगर्भ की यह विशेषता है कि वह इतने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होने पर, इतनी दिव्यता से संपन्न होने पर भी स्वयं को ही भ्रमवश या अहंकार के वशीभूत होकर सर्वात्मा परमात्मा नहीं मानते। तो हिरण्यगर्भ का पद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिरण्यगर्भ बद्ध होकर तो जन्म लेते हैं, लेकिन बद्ध होकर लीला संवरण नहीं करते। लेकिन हिरण्यगर्भ से ही पूछें तो कहेंगे, मैं ही नहीं, मेरा जो मौलिक स्वरूप है कारणोपाधिक सर्वेश्वर, कारणोपाधिक सर्वेश्वर में भी यही क्षमता है। कारण के नियामक होते हुए भी उसमें बद्ध नहीं होते, वो अपने मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद घन को ही मानते हैं। इस प्रकार हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी सर्वेश्वर की शरणागति इसलिए अपेक्षित है क्योंकि ये दोनों अपने मौलिक स्वरूप में ही अपने उपासक को क्या करते हैं, संलग्न करते हैं, अपने में भरमाते नहीं। गुरुओं का प्राय आजकल लक्षण यही होता है, अपने चंगुल से शिष्य को मत भगने दो। वकीलों का लक्षण यही होता है, एक बार जो मुवक्किल बन जाए विश्वेश्वर विश्वम्भर जी को छोड़ के, एक बार जो मुवक्किल बन जाए
जीवन भर उसको केस लड़ाते रहो, उससे दक्षिणा लेते रहो। चिकित्सकों का आजकल स्वरूप है, कोई इतना स्वस्थ ना हो जाए जिसे मेरी फिर आवश्यकता न रह जाए। और जब फिटिंग करते हैं बिजली आदि की, वो जानबूझ के कुछ ऐसी त्रुटि कर देते हैं कि सातवें दिन में बुलाया जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि यह विभाग मेरे यजमानी के चपेट से मुक्त हो जाए। यह सब जीवत्व है, लेकिन जीवत्व से पारंगत होने के लिए भी यह प्रकरण है। आद्यस्य पुनरवान्तर तात्पर्यम दर्शयति तत्रेति। आद्यस्य पुनः अवान्तर तात्पर्यम दर्शयति तत्रेति। तत्र अश्व विषयमेव दर्शनम उच्यते प्राधान्यात् अश्वस्य, भगवान भाष्यकार ने कहा। अब ये जो अश्वमेध है, इसमें घटक तो बहुत से हैं, फिर अश्व की धारणा क्यों बताई गई? क्योंकि जिसके नाम पर जिस क्रतु का कर्म विशेष का ख्यापन होता है उसकी मुख्यता मानी जाती है। नामकरण क्रतु विशेष का किस के आधार पर हुआ है? अश्व के आधार पर, तो अश्व की मुख्यता होगी ही। जैसे हमने एक दिन बताया था, हलवाई सैकड़ों प्रकार की मिठाई बनाता है लेकिन नाम उसका क्या है? रबराई तो नहीं, हलवाई। रबड़ी भी बनाता होगा, कुछ रबड़ी से भी मिठाई बनाता हो, हलवाई। उस समय के महानुभावों को हलवा नामक मिठाई बहुत पसंद होती होगी, इसलिए व्यक्ति का नाम हलवाई होता है। पेड़ा भी बनाता है, लड्डू भी बनाता है, गुलाब जामुन भी बनाता है, लेकिन नाम खाजा बनाने वाले खाजा ही या नहीं, हलवाई। और सरसों आदि के भी तेल होते हैं तेल, लेकिन तेल नाम होगा। तेल का अर्थ सरसों का तेल तो हो ही नहीं सकता, तिल से जिसका उद्भव हो वो तेल। तेली एक ही प्रकार का तेल थोड़े बनाता है, लेकिन नाम होगा तेली। इसका मतलब तिल सबसे उच्च कोटि का पदार्थ है, उससे उद्भव जिसका होता है उसका नाम तेल है। सरसों आदि में उतनी क्षमता नहीं है जितने की तिल में, और तिल इसलिए भी उत्कृष्ट है क्योंकि हवनीय पदार्थों में उसकी गणना है। तिला संक्रांति भी बोलते हैं, तिलदान, तिलोदक कर्मकांड में, उपासना कांड में, यज्ञ में प्रयुक्त है, तो उसके उत्कर्ष को तो समझना ही चाहिए। तिल से उद्भूत होने के कारण तैल हो गया, भले ही सरसों आदि के तेल हो, नाम होगा तैल ही, क्योंकि तिल से निष्पन्नता के कारण उसकी मुख्यता। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं अश्वमेध याग के घटक केवल अश्व ही नहीं, लेकिन उसका नाम अश्वमेध ही है, अर्थात उसी के नाम पर उसी की प्रदा उसी के नाम पर प्रसिद्धि है, कर्म विशेष कर्तु विशेष की। आद्य से पुनः अवान्तर तात्पर्यम दर्शयत। अवान्तर तात्पर्य क्या है? अश्व का आलंबन लेकर प्रजापति भावापत्ति, प्रजापति भावापत्ति का आलंबन लेकर सर्वेश्वरत्व की सिद्धि, सर्वेश्वरत्व का आलंबन लेकर तुरीय ब्रह्म जो कूटस्थ नित्य है उसकी समुपलब्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। ननु अश्वमेधस्य अंग बाहुल्य कस्मात् अश्वाख्यांग विषयमेव उपासनमुच्यते तत्र प्राधान्यात्। अब वही प्रश्न उठाया, अश्वमेध जो
क्रतु विशेष है, उसमें बहुत से अंग हैं। उन अंगों में एक अश्व भी है, क्योंकि द्रव्य भी में भी बहुत से भेद होते हैं। कोई भी याग या क्रतु या यज्ञ एक ही घटक एक ही द्रव्य के द्वारा तो संपादित नहीं होता। द्रव्य और देवता दोनों का संवेद स्वरूप यज्ञ होता है। द्रव्य भी कई प्रकार के होते हैं, तो स्थावर द्रव्य, जंगम द्रव्य। श्रौत याग में द्रव्य के दो भेद होते हैं, स्थावर जंगम। लेकिन क्रतु विशेष याग विशेष का नाम अश्वमेध ही क्यों रखा गया? कहते हैं कि घटक भूत जो द्रव्य हैं विविध, उनमें अश्व की मुख्यता है। इसलिए जैसे श्री जगन्नाथपुरी, जब पुरी कहते हैं जगन्नाथपुरी, तो यहाँ पर तो जगन्नाथ जी ही नहीं रहते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर इस धाम की प्रसिद्धि है। वो यहाँ के अधिष्ठात्री मुख्य देव हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। अब गंगा जी, तो गंगा जी में तो यमुना आदि का भी विलय हो चुका है। काशी में जो गंगा जी हैं उससे पहले ही सरस्वती, यमुना, इन सब का विलय हो चुका। लेकिन विलीन जो जो नदियाँ हो चुकी वो सब उनमें समाहित हैं, मुख्य गंगा जी। इसी प्रकार से समझना चाहिए, द्रव्य और देवता दोनों का संवेद स्वरूप क्रतु याग यज्ञ है। प्रजापति देवताओं में श्रेष्ठ हैं, और यह जो अश्वमेध नामक याग है प्रजापति दैवत है, देवता का है, और उसमें द्रव्य का जो प्रयोग होता है उसमें मुख्य घटक अश्वमेध अश्व है। मुख्य घटक होने के कारण उसके नाम पर याग का नाम है, और धारणा में भी द्रव्यांतर की धारणा न करके अश्व की धारणा का उपदेश दिया गया। ननु अश्वमेधस्य अंगबाहुल्ये कस्मात् अश्वाख्यांग विशेषमेव उपासनमुच्यते। एक विशेष अंग की ही उपासना यहाँ पर क्यों कही गई, क्यों कही जाती है? प्राधान्यात्, क्योंकि एक नियम है कि प्राधान्येन व्यपदेश होता है, प्रधानता से व्यपदेश होता है। किसी नायक का नाम ले लिया गया, बाकी व्यक्ति समझेंगे हमारा अपमान हो गया, तो बहुत अहंकारी माने जाएंगे। क्या नायक का नाम ले लिया गया तो नायक के अंगभूत आप है ना, आपका नाम आ ही गया। इसी प्रकार से अश्वमेध नामक क्रतु में मुख्य द्रव्य कौन है? अश्व। उसी के नाम पर उस याग विशेष या क्रतु विशेष की पहचान है, प्रसिद्धि है, अतः उसको मुख्य घटक माना गया। व्यवहार में भी दक्षता आती है इन सब ग्रंथों को पढ़ने पर, लेकिन पढ़ के भूल गए, प्रयोग में लाए नहीं तो कोई लाभ नहीं, आलसी हो जाते। बुलाना नहीं देता, लेकिन यहाँ भी हम 25 साल से तो पढ़ा ही रहे, ये सब तो साथ में रहते हैं। किसी पढ़ने वाले ने कोई साथ दिया क्या? कभी नहीं। वो तो हमसे ही विरक्त होते, हमसे ही विरक्त होते। इसका मतलब उनके पढ़ने का लक्ष्य ही कुछ और है, उनके पढ़ने का लक्ष्य कुछ और है। विद्या कैसे फले? कोई राष्ट्र के लिए उपयोगी हो गए हों, अवधूत शिरोमणि हो गए हों, परमार्थ में कोई बहुत गति हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। न अपने मतलब के, न राष्ट्र के मतलब के पाठ में आते हैं, अच्छी बात, लेकिन कोई ऊर्जा चेतना हो इससे जीवन में
क्रांति आ सके, परिवर्तन आ सके, ऐसा कुछ नहीं। एक पूर्व जन्म का संस्कार है, अच्छा आ जाते हैं, ये भी बहुत ऊंची घाटी है। लेकिन क्योंकि चेले चपाटी आदि से विमुख होकर, बढ़िया भोजन, सैया, अकेले निवास, इन सब से उपरत होकर आते हैं, उतना त्याग तो है। लेकिन यह ज्ञान उनके जीवन में कोई क्रांति ला रहा हो, या राष्ट्र के मतलब के हो, क्षेत्र के मतलब हो के हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ अंगी की प्रधानता, अंग अंग ही होते हैं। अब आजकल क्या है, ये जो दिशाहीन क्रांति चलती है, उपद्रव चलता है, कोई भी अंग बन के नहीं रहना चाहता। घर में भी यही है ना? अब अंग बन के नहीं रहना चाहते हो तो ये बीमारी तुम्हारे साथ, जिसको तुम अंग बना के रखना चाहती हो या रखना चाहते हो, उसके साथ भी है। कम से कम 50-52 साल की अनुमान से आयु होगी किसी महिला की। दिल्ली में प्रश्न कर दिया गोष्ठी में, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ महाराज, मेरे पतिदेव भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी नौकरी करती हूँ, स्वावलंबी हूँ, पतिदेव भी नौकरी करते हैं, तो मैं ही पत्नी क्यों, मैं ही उनका अनुगमन क्यों करूँ, ये तो बताइए। दैवयोग से यही प्रश्न बेतार का तार, 2-5-7 दिन बाद कहीं गया, वहाँ भी पूछ लिया गया। तो हमने कहा ठीक है, तो बेटा बेटी है घर में, उसकी क्या गति होगी? आज जिसने जन्म लिया है, या 2-4 साल का है, बेटा है बेटी है, वो तो न विद्या की दृष्टि से कुछ है, न धन की दृष्टि से, वो तो उस पर तो खर्चा ही खर्चा है, उनको मार दोगी क्या? अगर धन के आधार पर संबंध हो, तुम भी नौकरी करती हो, तुम्हारे पति भी नौकरी करते हैं, तुम भी स्वावलंबी, वो भी स्वावलंबी, तब तो देहात्मवाद भी बहुत घटिया। बच्चे बाल गोपालों के फिर पालन पोषण कौन करे, उनकी तो कोई उपयोगिता ही नहीं। तो जो व्यक्ति किसी का अंग नहीं बनना चाहता, उसके सामने समस्या होती है कि तुम किसी को अंगी मत मानो, लेकिन अंगी बनने के लिए तैयार तो हो ना। तो तुम्हारा अंग कितने दिन तक कोई बन के रहेगा? 2-4 दिन स्वार्थ पूर्ण करके तुमको भी अंगूठा दिखा देगा। तो उन्माद उन्माद उन्माद, बहुत विचित्र हुआ। एक गुरु से होर रखते थे, वही सुक्ताल में देवता जरखोर में जो बैठे थे, तो हम शाम को घूमने जाते थे, नारायण ब्रह्मचारी जी MSc सब दिखाई नहीं पड़ते, सब सिद्ध हैं, 6-6 महीने हमसे पढ़ा है इन लोगों ने, न्याय दर्शन और क्या क्या। वो प्रश्न, वो भी वहाँ के ब्रह्मचारी मंथ भी पीछे पड़ गए, चलने लगे। 4 कदम बनने के बाद हमने कहा आपकी तो इसमें रुचि नहीं है, कैसे साथ जा रहे हैं? हमारे साथ तो लोग की चर्चा नहीं होती, परमात्मा की चर्चा होती। एक कहना है आपसे, हम कहिए, बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष नहीं पनपते। माने हम गुरु को यहाँ पनपने नहीं देंगे, आश्रम पर कब्जा करके रखे हैं, क्योंकि हमारे गुरु होंगे तो हम पनप नहीं पाएंगे। हमने कहा कदाचित लक्ष्मण जी की भी यही मान्यता होती। आपको किसने कहा कि बड़े वृक्ष गुरु होते हैं तो छोटे चेले उनके सानिध्य में रहेंगे पनपेंगे नहीं? यही भावना कहीं लक्ष्मण जी की होती तब राम जी का अनुगमन कैसे करते? बड़ों से ही आपको परहेज है तो आपको कौन बड़ा मानेगा? आप जब गुरु को सोचते हैं कि गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो हम पनप नहीं पाएंगे, आप जिसके गुरु बनोगे वो चेले में भी ये बीमारी आएगी। आप गुरु भक्त नहीं हो तो कोई आपका गुरु भक्त बन जाएगा, समझ कल्पना नहीं। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की वो भी तो बुढ़ापे में बीमारी में चाहता है कि उसके बेटे बेटी उसकी सेवा करे, कौन करेगा? सेवा करोगे तो सेवा की प्राप्ति होगी। उत्तम जो गुरु हैं वो कोई चेले को गठ क्या कमर में बांध के फिरते हैं? उत्तम जो गुरु हैं उनका लक्षण है कि शिष्य मुझसे भी आगे बढ़े,
अब परमात्मा से तो आगे कोई नहीं है, परमात्मा विज्ञान तक उनको है तो मेरे शिष्य भी, हम तो कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिनकी अपने लिए प्रार्थना करें न करें, इनके लिए प्रार्थना करें कि अभी ना सोते हों, हमारी भावना होती है जो हमारे यहाँ तक कि जो इस अभियान में साथ दे रहे सबका उत्कर्ष हो, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, चंद्रमौलेश्वर को जल देता हूँ। तो जिसको गुरु का ही उत्कर्ष पसंद नहीं है वो उसका उत्कर्ष कौन करेगा, इसीलिए इष्ट से भी होर गुरु से भी होर तो वो तो बहुत गलत बात है। यहाँ पर कहा गया कि अंगी की मुख्यता होती है, अंगी के ग्रहण से अंग का ग्रहण हो जाता है, अंगी यहाँ पर अश्वमेध में अश्व विशेष है इसीलिए उसका नाम लिया गया। व्यवहार में भी अच्छा है यानी व्यवहार में लाइए। मेरठ की घटना है, एक हल जोतते थे ब्राह्मण, सच्ची घटना, बामन स्वामी हम लोग कहते थे उनको नाटक, उन्होंने किन्हीं दंडी स्वामी से दंड ले लिया, अब हल जोतने से पिंड छूट गया, घर से दंडी स्वामी हो गए। अब वो मेरठ में दंडी आश्रम में रहते थे, हमसे कहा हमारा गुरु कहता है हमारी सेवा क्या करो बताइए, हमने कहा ना बैल की सेवा इतने वर्षों तक की, खेत की सेवा की, अब गुरु की सेवा की क्या जरूरत है बैल की सेवा की उसके पीछे पीछे चले या नहीं, हल जोतते हैं तो बैल की सेवा की, खेत की सेवा की, गुरु की सेवा की क्या जरूरत है। फिर वो एक दिन गुरु चेला दोनों मिल गए, तो फिर चेले ने कहा कि अब तक बैल हाँकते थे, ये दंड जो दिया है गुरु जी से तुम्हें हाँकूँगा, सच्ची घटना, गुरु भगे उसके परे राम राम जो गुरु को ही बैल बना दिया। तो हमारे सामने घटना आई कि महाराज ये जो दंडी स्वामी हैं इन्होंने अपने गुरु से कहा अब तक हम बैल को दंडे से मारते थे हल जोतते समय, अब समझ लो ज़्यादा गुरु जी आज्ञा दोगे तो ये दंड जो दिया है ना इसी का उपयोग तुम पे करूँगा, नारकी व्यक्ति हुआ या नहीं। तो इसीलिए अंगी गुरु ही सही ना हो, माता ही सही ना हो, पिता ही सही ना हो, इस अश्वमेध में अशुक की मुख्यता है। इतना खोल के इसलिए कहा कि व्यवहार में ये सब उतरना चाहिए। तदेव कथमिति प्राधान्यम चेति, भगवान भाष्यकार ने कहा जिसकी प्रधानता होती है उसका नाम होता है। अब लोग क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी विकट समस्याएं हैं, वाल्मीकि जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सबने स्त्रियों के साथ अन्याय किया, राम जी सीता जी का देखो नाम खूब है, मांडवी श्रुति केतु इन सब का नाम ही नहीं, उर्मिला भरत जी की, शत्रुघ्न जी की, लक्ष्मण जी की पत्नी ने इतना त्याग किया तप किया, इन तीनों से द्वेष था ना इन सबको, इसीलिए उपेक्षिता महिला, कहाँ कहाँ से एक देवियों के पक्ष में राजनेता लोग उन्माद फैलाने के लिए कहाँ से क्या निकाल लेते हैं। कहा सीता जी राम ही जी क्या, उर्मिला का त्याग नहीं था, श्रुतिकेतु का त्याग नहीं था, मांडवी का त्याग नहीं था, सब तो चारों तो बहनें थीं, इन तीनों के साथ अन्याय किया लेखकों ने, इसलिए अलग से रामायण की रचना हो उसमें सीता जी को गौण स्थान दिया जाए, उर्मिला मांडवी और श्रुतिकेतु को मुख्य स्थान दिया जाए। अब क्या क्या बवंडर निकालेंगे शास्त्रों से कहने से। प्रजापति देवता कत्वाच्चाश्वस्य प्राधान्यम इत्याह प्रजापत्यत्वाच्च हेत्वंतर दिया कि जो अश्व है उसका देवता कौन है, प्रजापति, प्रजापत्य होने के कारण भी इतर द्रव्य की अपेक्षा
अश्व नामक द्रव्य की प्रधानता है। द्रव्य के घटकों में मुख्य है। दूसरी बात है कि प्रजापति देवताओं में श्रेष्ठ हैं, उनसे संबद्ध घटक अश्व ही है। यान्ति मद्यायिनोऽपि माम्। तो किस देव, कितने ऊंचे देवता का कौन उपासक है? उपास्य के उत्कर्ष के आधार पर उपासक का भी उत्कर्ष होता है। एकाए व्यक्ति कहीं काशी की घटना है, एक बाबा के पास, तो बाबा को उन दिनों चाहिए था किसी ग्रंथ के प्रकाशन के लिए 2 लाख, एक ब्रह्मचारी, एक सेठ जी ने नाम सुना था, दर्शन करने आ रहे थे, लोगों ने कहा कि मरोगे सेठ जी, नज़दीक मत बैठना। अरे संत है, महात्मा है, बैठा और ना बैठो, परिचय हुआ, मालूम पड़ गया धनी व्यक्ति है। ऐसा ऐसा मुंह चला के फू 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 कर दिया 3। ये क्या कर रहे, कुछ हो रहा है, चिंता मत करो, अब ये ग्रंथ प्रकाशित करना है। किसी दंडी स्वामी ने ग्रंथ की टीका की थी, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी छपा दीजिए, अपने नाम से छपा दिया, उसके लिए रुपया चाहिए। कहा कि देखो 2 लाख की ज़रूरत है, हाँ महाराज दूंगा। अब वो तो मंत्र पढ़ के फूंक दिया, वो तो मना ही नहीं कर सकता था। अब वहाँ से गया 10 कदम मार दिया, गया कहाँ से लाऊँगा 2 लाख, घर में ही बर्बाद हो जाएगा, भोजन की सामग्री कहाँ से लाऊँगा, घर कैसे चलाऊँगा। तब बेचारा छाती पीटता हुआ गया, फिर जोर से बोल दिए अगर रुपया नहीं दोगे तो नरक में जाओगे, परिवार सब मरेगा, झूठ बोलोगे यहाँ के तो झूठ सोचो। तब सबने कहा ब्रह्मचारी जी किस पे हाथ रखते हैं, तो उन्होंने कहा श्मशान में रहकर हमने सिद्ध किया है, अब इसका उपयोग नहीं करेंगे तो श्मशान में रहना व्यर्थ हुआ ना। श्मशान में रहकर हमने भूत प्रेत किसी को सिद्ध किया है, उसी से तो मैं धन बटोरता हूँ, राम राम। क्या मतलब, कोई भूत की पूजा करता है, कोई भैरव जी की पूजा करता है, उसमें भी कोई भगवान शिव की पूजा करता है, विष्णु की पूजा करता है, इसका मतलब क्या है, जिसके उपास्य जो हैं उसके स्तर से ही उस व्यक्ति का उत्कर्ष माना जाता है। मद्या यान्ति मद्या जिनोपि माम, मेरी आराधना करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। पशु अश्व है, लेकिन उसके देवता जो हैं अश्वमेध याग का मुख्य घटक जो अश्व है, उसके देवता प्रजापति हैं। देवताओं में प्रजापति का उत्कर्ष होने के कारण भी अश्व घटक का उत्कर्ष। प्रतीक मादाय मादाय व्याचष्टे उषा इत्यादि नाम। अब प्रतीक को लेकर के यह भाष्य की पंक्ति जो है 20 पेज पर है, आनंद गिरी 21 पेज पर, दूसरे पैरा में उषा इति ब्रह्मो मुहूर्त उषाह, उषा इति ब्रह्मो मुहूर्त मुहूर्त उषाह वही शब्द स्मरणार्थ प्रसिद्धम कालम स्मारयति। भाष्य की पंक्ति देखनी हो 21 पृष्ठ पर नहीं 20 पृष्ठ पर है। प्रतीक को लेकर, प्रतीक माने यह जो प्रथम ब्राह्मण है, प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण है, ओम उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, उसके पहले ओम के बाद जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो प्रतीक के रूप में, पूरे मंत्र के प्रतीक के रूप में। स्मारणार्थत्वमेव निपातस्य स्फुटयति प्रसिद्धं वा वै, तो स्मरण दिलाने के लिए ही
इसको बहुत महत्व देने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया गया। तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूतः, वहाँ वा वै, क्योंकि आगे का अक्षर वहाँ पर वा को वै के रूप में प्रस्तुत करता है, यहाँ भी निश्चयार्थक निपात का प्रयोग किया गया। यहाँ क्या सिद्ध हुआ? भगवान भाष्यकार ने पूरे ब्राह्मण का अनुशीलन करके बताया कि प्रजापति जो होते हैं ब्रह्मा जी, एक दिन हमने बताया मनु भी प्रजापति, वंश प्रवर्तक ऋषि भी प्रजापति, हमारे कोई पूर्वज पिता पितामह भी प्रजापति, इन सब से उत्कृष्ट वंश प्रवर्तक महर्षि प्रजापति, गोत्र प्रवर्तक महर्षि प्रजापति, अंत में ब्रह्मा जी प्रजापति, प्रजा के पति ब्रह्मा जी। यहाँ पर मेध्य जो अश्व है उसका शिरः स्थान कौन है? उषा, उषा काल, उषा प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त। तो जो प्रजापति का यहाँ पर वर्णन किया गया है उसमें तीन तत्व का सन्निवेश किया ब्राह्मण ने। ब्राह्मण माने मंत्र ब्राह्मण होते हैं ना, कि ब्राह्मणोपनिषद है कौन, बृहदारण्यक। मंत्र के लक्षण अलग, ब्राह्मण के लक्षण अलग, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद होते हैं, ये सब सायणाचार्य आदि महानुभावों ने विस्तार पूर्वक लिखा। अब मैं बोलूँगा नहीं, नहीं तो भाव है कि कभी इन सब पर भी लेखनी उठे, लेकिन 50 ग्रंथ पहले से ही कंप्यूटर में किया सब लिखना है, इसलिए मैं बोलना उचित नहीं समझता। तो हमने क्या संकेत किया? काल, लोक और अधिदैव देवता, इन तीनों का संवेद स्वरूप कौन होता है? प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा का स्वरूप अप्रजापति शब्द का प्रयोग न करके भी एक प्रजापति को तीन रूपों में ख्यापित किया गया। पहला काल, जो रूपक दिया गया है, उपमा दी गई है, वो तीन तरह की है। एक उपमा काल परक है, जैसे उषा का शिर को प्रातः काल जो ब्राह्म मुहूर्त है, अश्व का जो शिर उसको क्या कहा गया? ब्राह्म मुहूर्त, उषा काल, उषा उषा। एक काल, एक लोक और एक देव, तीनों को मिला दीजिए तो ब्रह्मा की अभिव्यक्ति होती है। तीनों का संवेद स्वरूप ब्रह्मा। किनका किनका? लोक, काल और देव। देव ब्रह्मा देवता है और लोक, लोक जो है सप्तांग ब्राह्मण वो तो है ही, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में विराट और हिरण्यगर्भ के सात अंगों का वर्णन किया गया। मांडूक्य उपनिषद में विश्व और तेजस को या वैश्वानर हिरण्यगर्भ को सप्तांग कहा गया है। सात जो अंग हैं वो लोकात्मक हैं या नहीं? द्यूलोक क्या है? शिर है द्यूलोक। सूर्य चंद्र क्या है? नेत्र हैं। नासिका क्या है? पवन देवता नासिका है। वाक इंद्री है ना, वहाँ पर अग्नि है, अधिदैवात्मक लोग माना गया। आकाश क्या है? मध्य भाग हृदय, ऐसा। इसी प्रकार से जल कटिभाग, पृथ्वी क्या है?
पृथ्वी, पांव, नासिका जो है वायु तत्व सांस लेते हैं। इस प्रकार से सप्तांग वैश्वानर हिरण्यगर्भ का वर्णन मांडूक उपनिषद में है। द्युलोक देवताओं का विशेषकर जहाँ पर सन्निवेश होता है, द्युलोक द्योतनशील स्वहलोक भी कह सकते हैं। द्युलोक क्या है? वैश्वानर के सिर के स्थान पर, हिरण्यगर्भ के सिर के स्थान पर शिरोभाग। जब तीन लोक कहते हैं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को जब तीन लोक में बांट देते हैं तो भूलोक में किसी का अंतर्भाव नहीं होता, लेकिन भूलोक में नीचे के लोकों का अंतर्भाव हो जाता है। अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इन सब का अंतर्भाव भू में हो गया। भुवा हो गया, इससे ऊपर का अंतरिक्ष। स्व में फिर महाजन, तप, सत्यम का भी अंतर्भाव हो जाता है। तो मूर्धा के स्थान पर द्युलोक है। सूर्य चंद्र ही कौन है? नेत्र के स्थान पर है। और नासिका जो है पवन के स्थान पर, वायु के स्थान पर नासिका। नासिका का स्वरूप क्या है? नासिका के स्थान पर पवन, अधिदैवात्मक नासिका है। उसके बाद में मुख है आहवनी अग्नि, उसका वो अग्नि तत्व ही है मुख के स्थान पर। अब आकाश के स्थान पर हृदय है, मूत्र स्थान है वो जल हो गया, पृथ्वी है पाद, पृथ्वी है। इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, क्योंकि तेज के ही सूर्य अग्नि रूप है, चंद्रमा भी। तो पंचभूतात्मक हो गए क्या? हिरण्यगर्भ और विराट के जो सात अंग हैं वो पंचभूतात्मक हो गए। कितना विशाल हुआ! इनमें जिसकी तादात्म्यापत्ति होती है, निसर्ग सिद्ध जन्म से ही, हम तो धारणा से कर सकते हैं। एक दिन बताया था ना, कोई संकट आवे तो व्यक्ति अपने शरीर को लेके भागता। 10 दिन के थे कौन? भीमसेन। सूतिका गृह से निकली कुंती, लाला को गोद में लिए, नदी से में स्नान करके मार्जन करके आ रही थी, लेकिन दैव योग से कुटिया के पास ही एक शेर ने धार के हमला बोलना शुरू किया। बेचारी डर गई। इतने में पांडु तीर धनुष लेकर आ गए, लेकिन डर में डर के क्या हुआ, गोद का बच्चा जो था वो गिरा भीमसेन 10वें दिन, और वहाँ के पत्थर को बस आटा बना दिया उसके शरीर ने। इतना बलवान था। तो आखिर उस व्याघ को मार दिया किसने? पांडु राजा ने। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो तो हंसने लगा। उसके शरीर के चोट से वहाँ के जितने पत्थर जहाँ गिरा था आसपास के भी सब चकनाचूर हो गए, लेकिन कुंती भी बच गई। इसका मतलब, अब बेटा भले ही गोद में है, भय के कारण बेटे गिरा व्यक्ति जब, इसका मतलब क्या होता? लेकिन हिरण्यगर्भ है, ये हम लोगों की तरह नहीं है। पूर्व जन्म की धारणा उपासना इतनी परिपक्व होती है तब जाकर हिरण्यगर्भ या विराट का पद किसी को मिलता है। निसर्ग सिद्ध जन्मजात जिस क्षण हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के नाभि कमल से समुद्भूत होते हैं, थोड़ा सा कभी कभी उनको सचेत भी करना पड़ता है, अपने स्वरूप का स्मरण होता है, तब समष्टि तादात्म्यापत्ति उनमें स्वभाव सिद्ध है। या ये सब क्यों खोल के बोल रहे? संकेत क्या कर रहे? चार व्यक्ति इस धारणा वाले हों तो लोग कहेंगे इनके साथ क्या है, चार व्यक्ति तो हैं या तीन व्यक्ति हैं, एक ये हुए। लेकिन जानकार लोग समझेंगे कि वो तो चार ब्रह्मा एक हो गए ना, क्या उसकी शक्ति कितनी हो गई?
चार ब्रह्मा एक जगह हो जाएं, चार ब्रह्मा के समान उस व्यक्ति की शक्ति हो गई। मैं सब खोल के क्यों कहता हूँ, इतने सुनने के बाद भी पाठ के अनुसार अगर उपासना चलती होती तो एक दो तो आत्मबम तैयार हो गए होते ना, वो सब नहीं करना। झटपट ब्रह्म बना देना है, बने या नहीं आत्मा को, झटपट ब्रह्म बना ही दो भक्ति में झोंक कर। तो धारणा होती तो आत्मबम तैयार होते या नहीं, प्रहलाद के समान व्यक्ति तैयार हो जाए। तो जनसंख्या की नहीं दे, सेना कितने इनके पास है, चार व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति हैं तो उनकी उपासना का स्तर क्या है। देखो श्रीमद् भागवत में आया ना, अंगिरा ऋषि ने कहा कि जो मन को जीत चुका है समस्त लोक और लोकपाल उसकी सेवा में भेंट लेकर आते हैं, धन पहुंचाते हैं, वो मने क्या हो जाते, अधीनस्थ उपराजा के समान हो जाते। केवल मनोनिग्रह का इतना फल दिया और यथार्थ फल है। इस प्रकार से जो देव लोक और काल, अब लीजिए कलयति प्रकाशयति, काल किसको कहते हैं, कालश्च हेतुश्च, श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद। भगवान के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ, श्रीधरी टीका के अनुसार बोल रहा हूँ, भागवत एकादश स्कंद। कालश्च हेतुश्च, प्रभो आप काल भी हैं हेतु भी हैं। तो श्रीधर स्वामी ने कहा हेतु माने उपादान कारण, और कलयति प्रकाशयति ईक्षण कर्तृत्व जिसमें है वो निमित्त कारण। इस प्रकार भगवान ने क्या कहा, काल कलयतामहम, आकलन करने वालों में मैं काल हूँ। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने न्याय की शैली में इस भगवान श्री कृष्ण के वचन को ढाल के हमको बताया, कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। काल कलयतामहम, कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। क्या हुआ वैदिक जी, कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है, उच्चारण करने से भी पुण्य होता है। कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। काल एक, देवता दो और लोक तीन, तीनों का संवेद स्वरूप कौन हो गया, हिरण्यगर्भ, फिर विराट, तीनों का मिला हुआ स्वरूप। अब काल की सिद्धि कहाँ से होती है, हमारा एक ग्रंथ है ज्योतिष दर्शन, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन बहुत ऊंचा ज्ञान है ज्योतिष का, उसमें ज्योतिष दर्शन यहाँ से प्रकाशित है। हिरण्य गर्भ से काल की प्राप्ति होती है, सूर्य से। कालात्मा कौन है, सूर्य, दिन रात्रि आदि का भेद कहाँ से होता है, काल। चंद्र परक काल, अग्नि परक काल, नक्षत्र परक काल, सूर्य परक काल, काल के कई भेद होते हैं। जब कार्य कोटि का काल होता है तो सूर्य से काल की सिद्धि होती है। यच्चत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव, मांडुक्य उपनिषद। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कालातीत अव्याकृतादि, हिरण्य गर्भ से काल की सिद्धि होती है, हिरण्य गर्भ से काल की सिद्धि होती है। इसीलिए कालातीत अव्याकृत परमात्मा ये सब कालातीत है। तो क्या हुआ, काल ईश्वर कोटि का पदार्थ हो गया, काल देवता अजदैव कोटि के प्रभ, जीव, जीव तत्व और ईश्वर तत्व दोनों का संवेद स्वरूप काल हो गया यहाँ पर। फिर देवता और उसके बाद लोक, तो अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव तीनों का संवेद स्वरूप, उधर जीव और ईश्वर इन सब का संवेद स्वरूप कौन होता है, हिरण्यगर्भ होता, कि
क्योंकि जब सूक्ष्म कार्य में तादात्म्यपत्ति जिसकी है उसका नाम हिरण्यगर्भ है, तो सूक्ष्म में कारण का अनुवेद होता है यानी अनुगति होती है, यानी होती ही है। इसलिए काल कहने पर कौन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की सिद्धि हो जाती है। और यहाँ अधिदैव कौन है? प्रजापति। यहाँ अधिदैव का अर्थ जीव हो जाता है। अधिदैव का भी अधिदैव कौन है? जीव। ब्रह्मा जी जो है जीवों के भी जीव हैं, सर्वजीव घनात्मक हैं। अब लोक की जो गणना होती है, अधिदैव के का ग्रहण करेंगे तो अध्यात्म का भी ग्रहण हो जाता है, अधिभूत कोटि में लोक आ गया। समग्र अधिभूत, समग्र अध्यात्म, समग्र अधिदैव, और इनका नियामक जो ईश्वर तत्व है उनका संवेद स्वरूप हिरण्यगर्भ हो जाता है। तो विशेष करके काल, देवता और लोक, इन तीनों का संवेद स्वरूप हिरण्यगर्भ। चंद्रमास होता है ना, सौरमास अलग, चंद्रमास अलग। और हमारा कोई ग्रंथ है, अब 100 से ज़्यादा ग्रंथ हो गए, 178वां कल क्या हुआ है, 74वां, उसमें कम से कम 130-140 ग्रंथ तो छप ही गए होंगे। अग्नि से भी, अंगिरा ऋषि है ना, अग्नि से भी काल की उत्पत्ति का हमने वर्णन किया अपने ग्रंथों में। चांद्रमस, चंद्रमा को लेकर, चंद्रमा को लेकर है तो नक्षत्र भी, नक्षत्र के देवता चंद्रमा। चंद्रमास अलग, सौरमास अलग, दोनों में अंतर होता है। और अग्नि, अग्नि भी काल के ही द्योतक। तो ये तीनों तो तेज है ना, अग्नि भी, चंद्रमा भी। और अच्छा, चंद्रमा क्या चीज़ है? पृथ्वी जल तेज तीनों का संघात। चंद्रमा में जो शीतलता है वो जल को लेकर है, कालिमा है वो पृथ्वी को लेकर है, उद्भावना प्रकाश है वो तेज को लेकर। चंद्रमा में सौम्य, सौम्य कहते हैं ना, सोम का तेज, सौम्य। इसीलिए अब आप क्या निष्कर्ष निकला? काल की व्यापक व्याख्या करेंगे, पंचभूतों से काल की सिद्धि होती है। उसमें विशेष करके तेजस कितने हो गए, चंद्र, सूर्य और अग्नि, तीनों के नाम पर काल की सिद्धि होती। तीनों ही कालवाचक हैं, तीनों से काल की सिद्धि होती है। चंद्रमा से भी, चंद्रमा हमारे पास कहाँ है? मन के रूप में है, अग्नि वाक के रूप में है, और कौन रह गए? सूर्य नेत्र के रूप में। वाक सो जाए, मन सो जाए और नेत्र सो जाए तो कौन सी अवस्था बनेगी? सुषुप्ति। नेत्र सो जाए, वाक सो जाए तब स्वप्न, मन अर्ध निद्रित हो जाए तब स्वप्न, ये तीनों सो जाए तब सुषुप्ति। वहाँ काल की पहुँच नहीं, कालातीत हो गए। अपने जीवन में भी काल का खेल देख सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि व्यष्टि में जिसको अधिभूत कहते हैं, समष्टि में उसको अधिदैव भी कह देते हैं, प्रथा है। लेकिन समष्टि में पंचभूत हो गए अधिभूत, उनके देवता, अच्छा पंचभूत हो गए, और उन अपंचीकृत पंचभूतों से, पंचीकृत पंचभूत, अपंचीकृत पंचभूत को मिला देंगे तो समष्टि अधिभूत की सिद्धि हो जाए। अपंचीकृत पंच महाभूतों से हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हमारा अंतःकरण, प्राण, इनकी रचना हुई है, या अध्यात्म हो गए। अधिदैव कौन हो गए? इनके नियामक। अब सांख्य प्रस्थान के अनुसार अधिदैव का वर्णन करना हो तो क्या है? सात्विक अहंकार से अधिदैव
माने दस इंद्रियों के देवता और मन की उत्पत्ति होती है सांख्य प्रस्थान के अनुसार। राजस अहंकार से उनके प्रस्थान में कर्मेंद्रियों ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अब हम वेदांत में इसको ढालेंगे, लेकिन वो दस इंद्रियों की बात है। हम वेदांत प्रस्थान में कहेंगे कि अपंचीकृत पंच महाभूतों के शुद्ध सत्व से अजदेव की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के शुद्ध सत्वांश से वेदांत प्रस्थान में 11 पांच ज्ञानेन्द्रीय, पांच कर्मेंद्रीय, एक मन या अंतःकरण कह दें, 14 हो जाएगा फिर अंतःकरण चतुष्टय, चतुर्दश अधिदैव की उत्पत्ति अपंचीकृत पंच महाभूतों के शुद्ध सत्वांश से। अमलिन सत्वांश से ज्ञानेन्द्रियों की, अंतःकरण की, और मलिन रजोंश से कर्मेंद्रियों की, प्राणों की उत्पत्ति होती है। पैंगलोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। समष्टि अधिभूत, समष्टि अध्यात्म, समष्टि अधिदैव में तादात्म्य उत्पत्ति जिसकी है उसका नाम हिरण्यगर्भ। देवताओं के उत्कर्ष को नहीं समझेंगे तो गाली देने से थोड़े उनका उत्कर्ष हो जाएगा। क्या मतलब? ब्रह्मा कौन होता है? बड़े विकट बात। पहले ब्रह्मा होते कौन है तो सुनो। ब्रह्मा को गाली देने से ब्रह्मा जी तुमसे घटिया हो जाएंगे कि हमसे घटिया हो जाएंगे? ब्रह्मा होते कौन है? आजकल के वेदांती, हमने एक शब्द निकाला, ये मारने वाले वेदांती कौन होते हैं? द्रुत अपवाद, द्रुत अपवाद। अध्यारोप व्यवस्थित ढंग से न करके झट से सबका अपवाद कर देते। तो साधक को एक एक अध्यारोप में तादात्म्य पत्ति से जितनी दिव्यता आनी चाहिए उससे वंचित रहता है। अध्यारोप से लाभ नहीं उठाया तो अपवाद से लाभ क्या उठाएगा? तो वो नकली ब्रह्म बन जाता है। निष्ठा तो उसकी बिल्कुल धनमान में होती है, कहने को ब्रह्म हो जाता। ऐसा जो बना हुआ ब्रह्म है वो बहुत घातक होता। इसीलिए हमने एक व्यक्ति से कहा था, देखो आप कितने पानी में हो, हम कितने पानी में हैं, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। अमुक अमुक महापुरुषों के द्वारा प्रवचन या जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से द्रुत अपवाद होने के कारण, अध्यारोप ही व्यवस्थित ना होकर उसका द्रुत अपवाद हो जाने के कारण उतनी ऊंची छलांग लगाने में समर्थ नहीं हो गए। तो ईमानदार अगर साधक हो तो पागल हो जाओगे। हो गए, मैंने जैसा कहा था हो गए वो लोग। और बेईमान हो गए तो विषय के किंकर बन जाओगे, तीसरी तुम्हारी कोई गति नहीं। पागल हो जाओगे या विषय किंकर हो जाओगे। इसीलिए अपवाद से काम नहीं चलता झटपट। हम तो इतना कहते मन को मन तक आने के लिए कितने वर्ष लग सकते हैं। मन के लिए मन दुर्लभ है क्या? मन तो मन है ही, लेकिन मन को मन तक पहुंचाने का अर्थ क्या है? विषय की दासता से मुक्ति, इंद्रियों की दासता से मुक्ति, तब तो मन मन तक आएगा ना। और विषय इंद्रियों की दासता से मुक्ति हो गई तो मन कितना दिव्य हो जाएगा, समझ गए? उस मन को फिर बुद्धि की ओर, फिर किसकी ओर? चिदाभास की ओर, फिर जीव की ओर, फिर ईश्वर की ओर, फिर ब्रह्म की ओर उन्मुख कर देंगे तो अपार शक्ति मन में हो जाएगी। यानी यहाँ कठिनाई है कि जीव अपने तक पहले पहुँचे कैसे? जीव तो जीव है लेकिन करोड़ों जन्मों में भावना दूषित होने के कारण अभी तो विषय की दासता से भी प्राण नहीं। तो विषय को फू कह देने से विषय फू हो जाएगा क्या? फिर इंद्रियों की दासता, इंद्रियों के पहले स्वरूप को समझें, उससे दासता हटावे ना। अब मैं विषय नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, अच्छा फिर क्या? मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। ठीक है, कहने में तो कितने सेकंड लगे, लेकिन नहीं हूँ
निष्ठा लाने में, जितने सेकंड लगे उतने वर्ष भी लगा सकते, नहीं लगा सकते फालतू में ज्ञान नहीं होता। इसलिए बहुत शास्त्रीय लौकिके च व्यवहारे प्रसिद्धो ब्राह्मो मुहूर्तस्तम कालम इति यावत्। बहुत बढ़िया कहा। टिप्पणी कारण लिखा, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे त धर्मार्था वन चिंतित काय क्लेशां तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव चेत। ये सब ब्रह्म का चिंतन कब करें, धन का राजा के लिए है महाभारत आदि में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करें, सोने से पहले क्या करें राजा। अर्थ का चिंतन कब करें, काम का चिंतन कब करें, धर्म का चिंतन कब करें, मोक्ष का चिंतन कब करें, प्रवृत्ति मार्ग में राजा जो है किस काल में किस पुरुषार्थ की प्रधानता होती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म शब्द लग गया है नहीं, जिसके साथ ब्रह्म शब्द लग गया ऊंचा हो ही गया। राक्षसों में सबसे श्रेष्ठ कौन, ब्रह्म राक्षस। ब्राह्मण होके गड़बड़ करता है, मरने पर होगा ब्रह्म राक्षस। अन्य राक्षसों से पिंड छुड़ा लो, ब्रह्म राक्षस से पिंड छुड़ाना बड़ा कठिन। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मनिष्ठ, ब्राह्मण ब्रह्म है ये ब्राह्मण, और ब्रह्मा में ब्रह्म है ये ब्रह्म के आगे आग की मात्रा है तो है ना, वो आग की मात्रा है तो वेद है। शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों का संवेद स्वरूप हो गया ब्रह्मा। तो ब्रह्म शब्द जिसमें लग गया ब्राह्मण, उसी को आजकल गाली देते हैं सब। उसी लिए पूरे जो जो गाली देते हैं गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। जिस जिसने ब्राह्मण को देखिए, इतिहास तो इतिहास है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक जिस जिसने ब्राह्मण को गाली दी, उन नेताओं की दुर्गति देख लीजिए, और किसकी क्या दुर्गति होने वाली है वो भी सोच लीजिए। सबकी दुर्गति, बहुत दुर्गति। इसीलिए जिसने पूरे वोटी वोटी गला कर, अच्छा एक बहुत विचित्र बात है, ये जो दिक्पाल हैं सब ब्राह्मण से, यानी ब्राह्मण ही तो सब दिक्पाल हुए हैं ना क्या, और जो ये व्याकरण आदि सब ये सब ज्ञान विज्ञान किसने दिया, ब्राह्मणों ने दिया। जिसने सारी सृष्टि को ज्ञान विज्ञान दिया, अपने लिए भिक्षा अयाचित वृत्ति जीविका का कोई साधन ही नहीं रखा विशेष रूप से, उसी को गाली देने से तुम्हारा काम चलता है भले आदमी, तो कृतज्ञता की पराकाष्ठा हुई है ना। इसीलिए ब्राह्म मुहूर्त का बहुत महत्व, ब्रह्म चिंतन। रघुवा जी को बहुत बढ़िया बताया पूज्य गुरुदेव ने, सुन रहे हैं। रघुवा जी को हमारे गुरुदेव ने कहा, देखो हाकिम पहले आ जाए, मातहत नौकर बाद में आवे, अपराध माना जाएगा या नहीं। हाकिम सूर्य का उदय हो गया, नौकर जीव अब तक सोया हुआ है, हाकिम आ गए अब ये रेल को सिग्नल कौन दे, रेल मास्टर ने, रेल क्या है स्टेशन मास्टर ने शराब पी के सोना शुरू कर दिया। ये ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का चिंतन और सत्वगुण की धारा रहती है, यह है। इसीलिए कहा शास्त्रीय लौकिके च व्यवहारे प्रसिद्धो ब्राह्मो मुहूर्त। अर्थ का चिंतन, सारी योजना राजा को पहले उठते ही ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए भगवान का, फिर धर्मपूर्वक जीवन यापन करने का चिंतन करना चाहिए, फिर समीक्षा करनी चाहिए कि अर्थ को का उपार्जन कैसे हो सकता है। धर्मार्था वनुचिंतयेत, धर्म और अर्थ का चिंतन राजा ब्रह्म मुहूर्त में करे, ठीक है। और ब्रह्म का चिंतन न करे, सबसे पहले ब्रह्म का चिंतन करे, फिर धर्म और अर्थ का। वो काम के चिंतन का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। इसीलिए कहा ये जो उत्तम काल तो बहुत से हैं, संध्या काल भी है, लेकिन उषा काल का, उषा का क्यों वर्णन किया गया, क्योंकि काल में सबसे श्रेष्ठ है। और ये बहुत ऊंची बात है, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का भगवान का इतना बढ़िया चिंतन कर ले,
कि जो जो सूर्य देखिए अरुणोदय, फिर सूर्योदय, फिर धीरे धीरे मध्याह्न काल, फिर अस्तंगत सूर्य, फिर रात्रि। तो जो जो सूर्य की किरण छिटकती है त्यों त्यों रजोगुण का प्रभाव चलता है, कर्म में व्यक्ति के स्वभाव से प्रवृत्ति हो जाती है। जो जो सूर्य ढलने लगते हैं त्यों त्यों तमोगुण आने लगता है। अब पूरा तमोगुण आ जाए तो खूब अच्छी तरह से खर्राटे लेकर व्यक्ति सो भी जाता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी ने ब्रह्म का चिंतन कर लिया तब क्या होगा? वो जो उस समय की धारा है ब्रह्मचिंतन की, आगे जो राजस तामस समय आने वाला है उसको भी वो क्या कर देता है? सात्विक कल्प बना देता है। जैसे गाढ़ी नींद में भजन हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन निद्रा के अव्यवहित पूर्व क्षण में भगवान का चिंतन करता करता, भगवान नाम का जप करता करता सो जाए तो निद्रा के गर्भ में भजन का प्रवेश हो गया या नहीं? निद्रा सात्विकी हो जाए। अपनी सीट पर ट्रेन में बैठ करके लेट गए, अब तो ट्रेन चल दी, हमको तो नींद आ गई। हमारे सो जाने से ट्रेन सो जाएगी या ट्रेन की यात्रा बंद हो जाएगी? इसी प्रकार निद्रा के गर्भ में भजन को डाल देंगे तो जो जो निद्रा परिपक्व होगी त्यों त्यों भजन परिपक्व होगा और निद्रा सात्विकी बन जाएगी। तो यह अर्थ हुआ कि तामस और राजस काल को भी महात्मा लोग सात्विक बना लेते हैं ब्रह्म के ब्रह्म मुहूर्त में जो चिंतन करते हैं ब्रह्म का, उससे क्या होता है? आगे जो राजस तामस काल आने वाला है प्रतिदिन नित्य युग धर्म हो ही सब के रे हृदय राम माया के प्रेरे, नित्य ही कृतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की प्राप्ति होती है। समष्टि में तो जब होती है, व्यष्टि में भी, तो उन सब काल को भी राजस तामस काल को भी सात्विक बनाने की विधा यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ तक बन सके ब्रह्म का चिंतन करें। राजा है तो धर्म का और फिर अर्थ का चिंतन करें। शास्त्रीय लौकिके च व्यवहारे प्रसिद्धो ब्राह्मो मुहूर्त तम कालम इतियावत, वह जो काल है उसी को समझ लीजिए अश्वमेध में प्रयुक्त और विनियुक्त अश्व का सिर। उषस शिर शब्द प्रयोगे दिनावयवेशु तस्य प्राधान्यम हेतुमाह प्राधान्यातिथि। अश्व के सिर में दिन के अवयव काल विशेष ब्रह्म मुहूर्त का जो रूपक खींचा गया उसमें, जैसे अश्वमेध में मुख्य घटक अश्व है, ऐसे ही काल में मुख्य घटक कौन है? ब्रह्म मुहूर्त। उसे अच्छा, अश्व के अंग में भी मुख्य स्थान किसका है? सिर का मुख्य स्थान है। यज्ञ में मुख्य घटक कौन हुआ? इस याग में कटु में अश्व। अश्व के शरीर में मुख्य घटक कौन है? सिर। काल के घटक में मुख्य घटक कौन है? काल के अवयव में उषा काल, उषा माने ब्रह्म मुहूर्त, इसीलिए उत्तम की उपमा उत्तम से, उत्तमांग की उपमा उत्तम कालांग से। यह हो गया। तथापि कथम तत् शब्द प्रयोग तत्र शिरश्चेति। भाष्यकार भगवान ने कहा शिरश्च प्राधान्यम शरीरावयवानाम। 20वें पृष्ठ पर भाष्य, नीचे से ऊपर की पंक्ति, शिरश्च प्राधान्यम शरीरावयवानाम। अब साहित्यिक दृष्टि से उपमा कर की विशेषता यह है, उपमा का कोई विशेषज्ञ हो तो किसकी उपमा किससे करें? अश्वमेध में प्रयुक्त जितने घटक हैं उनमें सबसे प्रधान अश्व। उस अश्व के शरीर में सबसे प्रमुख अंग सिर, काल के भी अवयव हैं
उनमें सबसे उत्कृष्ट उषा काल दिन के अवयव में उषा काल उषा उषा तो अब उत्तम की उपमा उत्तम से कर दी गई। इसका मतलब अश्व का जो सिर है वो क्या है, ब्राह्म मुहूर्त है ऐसा। अब वो आरोप इसको कहते, आरोप का मतलब क्या है, उपमा भी तो आरोप है या नहीं, चंद्रमुख है ये या चंद्रमुखी है, यह चंद्रमा और मुख का भेद मालूम है तब तो किसी को चंद्रमुख कहेंगे या नहीं, क्या एक को दूसरे से उपमित करते हैं तो दोनों के भेद का ज्ञान होता है नहीं प्रयोक्ता को, चंद्रमुख है चंद्रमुखी है, गजगामिनी है हंसगामिनी है, यह चाल किसकी बढ़िया होती है, गज की मस्ताना। हाँ हमारे एक शंकराचार्य हैं, अभी भी युवक ही हैं लेकिन जब 94 से कम के थे 40, 50, 60, 70 तक उनके मस्ती चाल बहुत सी दिलदार भी, तो लगता था कि एक दिग्विजय के लिए कोई बहुत दिव्य महापुरुष जा रहे हैं। हंस गमन तुम नहीं बने योग, हंस की चाल बहुत मस्तानी है, अपने यहाँ बतख है ना, देख बतख की चाल भी हंस की चाल और खरगोश की चाल, किसी स्त्री की उपमा की जाए ये तो खरगोश की तरह चलती है, तो प्रशंसा है या निंदा। और मेढक की चाल मंडूका प्लुति वो अच्छे नहीं है ना, अगर मृग से उपमा देनी हो किसी की प्रशंसा में तो उसकी चाल से मत दो, आँख से दो, मृग नहीं ठीक है मृग। अच्छा मीन के मीन मीनाक्षी, मीनाक्षी है ना, मीन की आँख मछली की आँख बड़ी होती है, यह हमारे सुरेश जी की भी आँख बड़ी है इसलिए ज़्यादा नींद आती। किसकी उपमा किससे दे, खरगोश की चाल से उपमा दे दी, मृग की चाल से तो प्रशंसा नहीं, मृग के आँख से उपमा दी जाती है तो आँख तो बढ़िया। इसी प्रकार से यहाँ का उत्तम की उपमा उत्तम से दीजिए, कालावयव में दिन के अवयवों में उषा काल की प्रधानता। हाँ क्षत्रियों के नेत्र, राजाओं के नेत्र की उपमा वृषभ बैल की आँख से, पांडु राजा, राजा पांडु के नेत्र की उपमा किससे दी गई, वृषभ बैल बैल के आँख। वो हमारे गजपत जी का जो बेटी का बेटा गजपत जी का, एक बार उनके यहाँ गए थे भुवनेश्वर में, उसकी आँख लगते है कि राजा है कोई एकदम बैल जैसे, हमने देखा कि वो उनका नाती बेटी का बेटा उसके आँख बिल्कुल बैल जैसे, तो वो उत्तम लक्षण है। तो क्षत्रिय आदि के नेत्र की उपमा दी गई है बैल के आँख से। मात्र मृग मृग कमल नयन कमल कोश ऐसे हो, उपमा में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है ठीक है। खीर का स्वाद कैसा है, हींग जैसा, बताओ उपमा तो बहुत घटिया है, खीर का स्वाद कैसा है, हींग जैसा, वो ठीक नहीं ना, नहीं कहा। उत्तम अंग से उत्तम अंग की उपमा की गई। उषा से शिरा शब्द प्रयोगे दिनावयवेशु तस्य प्राधान्यम हेतु माह, तथापि कथम तत्त शब्द प्रयोग शिरश्चेति, शिर इधर उत्तम अंग है और उधर कालावयव में दिनावयव में कौन सा है, उषा ब्रह्म मुहूर्त उषा। आश्व में अधिकाश्व शिरसि शिरस्युषा सो दृष्टि कर्तव्य त्याह अश्वस्य थे। अब लबो लबाव सार क्या निकला, आश्वमेधिक जो अश्व है, सब नहीं तांगा में जुटा हुआ अश्व नहीं ये सब, उसको विवेक जी के बेटे को घोड़ा बहुत पसंद है, स्वामी चिन्मयानंद महाराज को भी घोड़ा बहुत पसंद था, ये सब ये इस वंश में
हमने देखा कि गाय की भक्ति या घोड़े के प्रति प्रेम, वो है ना विवेक जी का बेटा, उसको घोड़ा चाहिए, हाँ घोड़े की सवारी उसको पसंद है, और गाय का भक्त भी है। किसी किसी कुल में व्यसन भी आ जाता तो अच्छा व्यसन है, घोड़े के प्रति गाय के प्रति आस्था। तो जिस किसी में नहीं, अश्वमेधिक क्रतु में प्रयुक्त विनियुक्त जो अश्व है उसके सिर को ब्राह्म मुहूर्त से उपमित किया गया है। इस अश्व का सिर क्या है? ब्राह्म मुहूर्त है। इससे लाभ क्या होगा? तो हमने कहा कि दो वस्तुओं में, दो पदार्थों में, दो व्यक्तियों में भेद का ज्ञान हो, फिर लौकिक या वैदिक विधा से उचित ढंग से एक में दूसरे का आरोप हो जाए, उपासना का मार्ग प्रशस्त होता है। ऑल ऑफ सडन एकाएक किसी में किसी की बुद्धि बन जाए, माने भेदक ज्ञान के बिना अगर आरोप हो जाता है तो भ्रम है, और भेदक ज्ञान पूर्वक जब आरोप होता है तो उपासना है। एक दिन बतायान था ना, पंचदशी में लिखा है संवादी ब्रह्मवत। आजकल के वेदांती स्वयं मरते हैं, औरों को मारते हैं, चेले चपाटियों को, क्या संवादी ब्रह्म है उपासना लो, यही कहते हैं आजकल वेदांत। अरे वहाँ वत लिखा है, अब जो इसको आप कह दोगे ये भ्रम है तो उपासना में किसकी प्रवृत्ति होगी? माने मरना और मारना। इसीलिए एक बहुत ऊंची बात है, प्रसंग से हटके नहीं, बहुत बढ़िया। एक अंग्रेज के यहाँ कोई द्वारपाल था, रात में पहरेदार, अंग्रेज ऑफिसर को कहीं यात्रा करनी थी ट्रेन से। उसने कहा बाबूजी मेरी विनती मान लीजिए, जिस ट्रेन से आप यात्रा करने वाले हैं उसकी दुर्घटना होगी, आप यात्रा मत कीजिए। उसने सोचा कोई ऐसा काम नहीं है, फिर चल देंगे कल। प्रतीक्षा करता रहा उन दिनों। सचमुच में जिस ट्रेन से वो अंग्रेज ऑफिसर को जाना था, अमुक जगह जा कर के उसकी दुर्घटना हो गई। सोचा कि ये बहुत बढ़िया, बुलाया, देखिए अंग्रेजों का अनुशासन, इतने या मानद राज इतने लीजिए सम्मान में, और आपकी नौकरी समाप्त। मैंने तो आपको बचाया, आपको जो है भविष्य बोलने के लिए हमने रखा था, या रात में पहरा देने, आप अगर अपने दायित्व का निर्वाह करते तो सोते नहीं तो स्वप्न नहीं देखते, इसीलिए आपको हाथ जोड़ सकता हूँ, लेकिन नौकरी में नहीं इसलिए रख सकता क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, आप सो गए देखो। और स्वतंत्र अंग्रेजों के बिस्तर बन गए थे स्टीमर आदि पे, विदेश जाने के लिए तैयार थे, लेकिन गुप्तचर विभाग में जो रहे थे महात्मा बाद में हुए थे, उन्होंने बताया कि उस दिन तक, अंतिम दिन तक उनको घर जाना है, देश लौटना है, भारत को स्वतंत्रता मिली है, उस दिन तक जो उनका काम था सब करके गए। और भारतीय होते तो जाना ही है, देश कहीं गड्ढे में जाए हमको क्या करना है, एक दिन का काम कोई और कर लेगा, जो आएगा वो अपना मरेगा, ये है ना। इसीलिए कहा अश्वमेध में प्रयुक्त विनियुक्त जो अश्व होता है उसका जो उत्तमांग सिर होता है, कालों में जो उषा काल है, मतलब ब्राह्म मुहूर्त है, उससे उसको उपमित किया गया। तो यह जो अश्वमेध में प्रयुक्त विनियुक्त सर किसके, अश्व के, उसके जो उषा काल रूपता का चिंतन करता है, उसके जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार होता है। कालादि दृष्टिरश्वांगेषु किमिति क्षिप्यते अश्वांग दृष्टिरेव तेषु किम न स्यात् इत्याशंक्यः कर्मांगस्यति। अब कहते हैं बहुत ऊंची बात है, भाष्य की पहली पंक्ति पृष्ठ 21। कर्मांगस्य पशोः संस्कर्तव्यत्वात्
कारणत्वात् कालादि दृष्टयः शिर आदिषु क्षिप्यन्ते। क्षिप्यन्ते माने आरोपित किए जाते। कालादि दृष्टि अश्वांगेषु किमिति क्षिप्यते, अश्वांग दृष्टि रेवक तेषु किम न स्यात्। अश्व के अंगों में अश्व के अंग की ही दृष्टि न करके पृथक से कालादि की दृष्टि क्यों की जाती है, यह तो बताइए। इसका उत्तर किया दिया भाष्यकार भगवान ने, कर्मांग पशु के रूप में अश्व का वर्णन है यहाँ। कर्म घटक, अश्वमेध घटक, मुख्य घटक अश्व, उसका संस्कार होना चाहिए। असंस्कृत वस्तु कर्मकांड में उत्तम कार्य में विनियुक्त और प्रयुक्त हो संभव नहीं, संस्कार चाहिए। यानी संस्कृत पशु का भी संस्कार होता है, वाणी का संस्कार होता है, सिर का संस्कार होता है, शरीर का संस्कार होता है। तो ये संस्कार में फिर अशु, अशु के सिर की उपमा जो है उषा काल से क्यों दी गई, ब्राह्म मुहूर्त से क्यों दी गई, तो कहते हैं ये संस्कार की विधा है। संस्कार माने दिव्यता की स्फूर्ति के लिए आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक और जैविक धरातल पर किसी भी वस्तु का जो स्वरूप सिद्ध होता है, उस वस्तु में उनके आधान से उस अंग का, उस वस्तु का संस्कार होता है। जीवन में दिव्यता लाने की विधा है। उदाहरण के लिए अब पशु का संस्कार, असंस्कृत जो पशु है वो यज्ञ में विनियुक्त नहीं होगा। जैसे उस समय चंदन आदि के टुकड़े, यज्ञ की सामग्री, बहुत सी चीज़ें ना हवन, उनको संस्कृत करेंगे तब तो प्रयुक्त होंगे ना, बिना संस्कार के तो उनका प्रयोग नहीं होगा। ऐसे भोजन में भी पहले तो भोजन बनाने वाला संस्कृत हो, जूता चप्पल। अरे हमारे पूर्वाचार्य जी बहुत बढ़िया कहते थे, अमुक अमुक देखो ना, नमक डाला फिर ये वही चौके में, कम तो नहीं है, कम तो नहीं। चखते भी गए और डालते भी गए। ये तो असंस्कृत भोजन है। भोजन का भी संस्कार, अन्न का भी संस्कार, उसमें बाल आदि, कीड़े आदि न हो। जीवन में भी संस्कार, मलमूत्र इत्यादि का सन्निवेश न हो। संस्कार किससे होता है? जैसे हमको नेत्रेंद्री का संस्कार करना है तो कैसे करेंगे? नेत्रेंद्री के गोलक हैं, धूल आदि जम गए हैं तो गुलाब जल आदि उत्तम ढंग से दवा डाल के हटा दीजिए। इसी प्रकार से अगर मोतियाबिंद आदि है तो ऑपरेशन कर दीजिए। और क्या संस्कार होगा इसका? ज्योतिषमती तेल इत्यादि का मुख के द्वारा सेवन कीजिए तो नेत्र की ज्योति ठीक रहेगी। और क्या संस्कार होगा? और संस्कार होगा कि अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय का चिंतन करेंगे तो इस इंद्रिय गोलक का, इस इंद्रिय गोलक का क्या होगा? संस्कार होगा। कौन बात कर रहे भाई, यहाँ बात मत करो भाई। हमने संकेत किया, किसी के मौलिक स्वरूप का चिंतन करने पर, उसके आधिदैविक स्वरूप का चिंतन करने पर, उसमें ब्रह्म भाव का आरोप करने पर उसका संस्कार हो जाता है। जैसे अब नेत्र का संस्कार करना है, इस नेत्र के पीछे कौन नेत्र है? अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय है या नहीं? अब अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय के पीछे कौन है? उसका अनुग्राहक सूर्य। इस प्रकार अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय और सूर्य की उत्पत्ति किससे हुई है? अपंचीकृत पंच महाभूतों में तेज के सात्विक और शुद्ध सात्विक अंश से। यहाँ तक चले गए या नहीं? अब तेज का संस्कार करना है तो फिर क्या करेंगे? वायु उसका मौलिक स्वरूप है,
वायु का संस्कार करना है तो आकाश उसका मौलिक स्वरूप है, आकाश का संस्कार करना है सांख्य प्रस्थान की ओर गए तो अहम तत्व का संस्कार है तो वेदांता प्रस्थान के अनुसार अव्यक्त अव्यक्त उसका संस्कार करना है तो ब्रह्मशक्ति का संस्कार करना है तो ब्रह्म का चिंतन कीजिए। इधर से कहेंगे नेत्र का संस्कार करना है तो अत्येन्द्रीय नेत्र इंद्रिय का स्मरण करें आधान करें, इसमें है ही उस नेत्रेंद्रिय का उद्दीपक कौन है, मन के चिंतन से नेत्र का क्या हो जाता है शोधन संस्कार। मन से ऊपर कौन है, बुद्धि। इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि। अब बुद्धि का संस्कार करना है तो चिदाभास का संस्कार करना है तो चित्तत्व। इस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकला, किसी भी वस्तु का जो उद्दीपक है, प्रकाशक है, उत्पत्ति स्थिति लय स्थान है, उसका चिंतन करने पर, उसकी भावना करने पर उस वस्तु में संस्कार का दान होता है, अर्थात वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। बहुत बढ़िया है, श्रीमद्भागवत 7:9-31। यद यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणम च तद्वै तदेव वसुकाल वदर्षि तर्वोह। श्रीमद्भागवत 7:9-31। ये जो भागवत का वचन है ना, इससे देखिए इसका उपयोग हम कर रहे हैं संस्कार में, गणित में इसका उपयोग हमने बहुत किया है। यद यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणम च, जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें जिसकी स्थिति होती है, जिसमें जिसका लय होता है और जो जिसका उद्दीपक प्रकाशक होता है, वही उसका मौलिक स्वरूप होता है, उसके चिंतन से उस वस्तु का शोधन हो जाता है, ये संस्कार का स्वरूप हुआ। तो संस्कार संस्कृत पशु विनियुक्त होता है। और संस्कार क्या है, तत्त अध्यात्म में अधिभूत में अध्यात्म का सन्निवेश, अध्यात्म में अधिदैव का सन्निवेश कर देंगे तो अधिभूत का शोधन हो जाएगा। अश्व के सिर में हमने कालावयव कौन है, उषा काल तेजस है, उषा तेजस है वो, तो तेजो विशेष उषा काल क्या है, तेजो विशेष की अभिव्यक्ति का सूचक है। काल विशेष है, कलयति प्रकाशयति, उसका रूप उसको हम उसका आधान कर देंगे, तद्रूपेण उसका चिंतन करेंगे तो क्या हुआ, उधर अश्व का संस्कार हो गया यज्ञ में। और हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे सिर का संस्कार हो जाएगा। दो चीज़ है आगे आनंदगिरी में आएगी, अगर कोई कर्मकांडी यजमान अश्वमेध याग कर रहा हो तो उसके सामने तो अश्व प्रत्यक्ष है, भाव राज्य में तो अश्व नहीं है ना, प्रत्यक्ष ही है, उसमें अगर इस धारणा का भी विनियोग कर दे तो अधिदैव के चिंतन से क्या होता है, उस काल की दिव्य, उस कर्म की दिव्यता हो जाती है, उसमें और प्रशस्त उन्नत फल देने की क्षमता आ जाती। लेकिन जो ये सन्यासी लोग हैं या ब्राह्मण आदि जो अश्वमेध में अधिकृत नहीं हैं, उनके सामने अश्व तो अपने है नहीं, एकांत गुफा में कमरे में बैठे हैं, वहाँ तो अश्व में फिर अश्वमेध के लिए जो प्रयुक्त विनियुक्त अश्व है उसमें इस रूपक को घटाएंगे तो अश्वमेध का फल अचिर और दिव्य परिष्कृत होकर उन्हें मिलेगा। जिस वस्तु के साथ अधिदैव का चिंतन हम जोड़ देते हैं उस वस्तु में अधिक दिव्यता आ जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज से मानो वो वस्तु फिर फलित होती है। लेकिन साधक जब बंद कमरे में अश्वमेध याग का आलम्बन लिए बिना उसके फल को प्राप्त करने के लिए साधन करेगा तब क्या करे, अश्व के स्थान पर अपना शरीर मान ले,
वहाँ तो अश्व के सिर का संस्कार हुआ, यहाँ हमारे सिर का संस्कार हो गया। अश्वरूप जो मेरा शरीर है, देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण युक्त जीवित शरीर, अश्व संज्ञक जो देहेंद्रीय देह तो है ही, इंद्रिय प्राण अंतःकरण से युक्त जो हमारा अश्वात्मक शरीर है, उसमें जो ये शिरोभाग है ये उसका काल है। इस प्रकार की धारणा से ब्रेन हेमरेज, बुद्धि की कमी, इन सब दोषों का निवारण होता है, सिर संस्कृत हो जाता। तो अब ये चिकित्सा विज्ञान निकाल लिया ना इसमें क्या, ब्रह्म विद्या ये नहीं है, चिकित्सा विज्ञान निकला। मनोवैज्ञानिक अगर इस ढंग से उपयोग करें, अपने सिर को अश्व का सिर मान करके, फिर उसा काल का इसमें आरोप करके तदनुकूल भावना करें, तो मस्तिष्क संबंधी जितनी भी परेशानी विकृति होगी सबका निवारण हो जाएगा। तो चिकित्सा भी है। क्या है अश्व में तो जीव है, जीव भाव है, जीव है, अश्व घोड़े में जो जीव है अश्व में, उसकी एकता, जीव की एकता किसके साथ होनी चाहिए ना, कर दीजिए अभी, घोड़े को ब्रह्म बना दीजिए। ठीक है। हाँ, हो गया ना, अश्व में अधिक अश्व सिर अश्व सो दृष्टि हो गया। कालाद दृष्टि अश्वांगे सो किमितम किमिति क्षिप्यते, अश्वांग दृष्टि रेव तेसु किम न स्यात् इत्याशंक्या। कर्म के अंग रूप में प्रयुक्त विनियुक्त संभावित जो अश्व है, उसका संस्कार करने के लिए किसी भी वस्तु का जो मौलिक स्वरूप होता है, उसके चिंतन से उस वस्तु का क्या होता है, शोधन हो जाता है। विशेषकर अधिदैव का चिंतन करने से उसका मार्जन हो जाता है। अश्वे अंगेश्वनंग अंगेश्वनंग मतिक्षेपे हेत्वंतर्माह प्राजापत्यत्वं चेति। अब भाष्यकार भगवान कहते हैं, पांच ये ऊपर से पहली पंक्ति, ऊपर पहली पंक्ति, प्रजापत्यत्वम च प्रजापति दृष्टि दृष्टिध्यारोपणात्। अब क्या है, अश्वमेध का फल तो प्रजापत्य, प्रजापति भाव की संप्राप्ति है, वो संभव ही कब है, प्रजापति दृष्टि का अध्यारोप करने से। एक साधक आया महाराज, घर द्वार छोड़ के आया हूँ, कुछ कमी हो तो बताओ। और तो कुछ नहीं, भैंस जो पाल रखा था उसमें राग है, लेकिन घर द्वार छोड़ के आया हूँ। अच्छा, कितनी मोटी भैंस, ये सब उससे सुन लिया महात्मा ने। एक उसके साधन करने के लिए गुफा वनवाज, वो तो मनुष्य था, घुस सके। और जैसे डिलडोल वाली उसकी भैंस थी जिसको छोड़ के आया था बाबा बनने, वो जब भैंस बन जाएगा तो निकल नहीं सकता। और खिड़की से व्यवस्था कर दी, मलमूत्र त्यागने की सब व्यवस्था अंदर ही कर दी। तुम चिंतन करो, तुम्हारा राग जिसमें है कि मैं भैंस हूँ, क्योंकि जिसमें राग होता है उसका चिंतन होता है, तुमको यहीं से मिल जाएगा। अंत में जब उन्होंने देखा कि उसकी भावना पुष्ट हो गई 6 महीने में, साल भर में, अरे अरे निकल निकल, महाराज निकलने का बहुत प्रयास करता हूँ, सिंह अड़ जाते हैं। उन्होंने कहा सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया। ऐसा है, इसी प्रकार से जिसका चिंतन करते हैं तद्रूपता की प्राप्ति हो जाती है। प्रजापति का आरोप करने पर प्रजापति का चिंतन होगा ना। अब इन सब उपासनाओं को संतों ने क्या किया मालूम है,
श्री रामकृष्ण भगवान आदि में ढाल दिया। अब ये उपासना नहीं दिखती है, लेकिन किस ढंग से वृंदावन आदि के संतों ने समय हो रहा इसको ढाला, उसका उदाहरण है। अब वो लोग इससे इसको कुछ लाभ नहीं उठा सकते, उनके जो गुरु लोग थे वो इन सब उपासनाओं को क्या किया, अवतारवाद के अनुसार ढाल दिया। तो श्रौत उपासना जो के त्यों अब नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन वृंदावन अवध आदि में जो पुराने संत हैं उन सबों ने क्या किया है, इसको ऐसा ढाल दिया है, उससे अगर कोई लाभ उठा सके तो उठा सके। वो कहते हैं कि मंजरी शरीर अंतः चिंतित बप्पू, एक दिन हम उस पर यहाँ कहे थे, सखी का शरीर दे दिया, या भगवान के जो अष्ट सखा हैं किसी एक का शरीर, कि तुम भाव राज्य में यह चिंतन कर। तो वृंदावन की उपासना क्या है फिर, भाव राज्य में वो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे फिर धीरे धीरे 8-8 घंटे तक चिंतन करते हैं कि गुरु ने जो कहा कि तुम ये सखी हो या ये सखा हो, उसके स्वभाव प्रभाव आदि का ज्ञान कराकर तंकुल चिंता करते करते शरीर छूटने के पहले तक उनकी ऐसी निष्ठा हो जाती है कि मैं अमुक हूँ। फिर शरीर छूट गया तो उसी अपने जिसकी जिसका चिंतन किया उसके सारूप्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ कहा कि प्राजापत्य भाव की सिद्धि के लिए यहाँ पर तादात्म्यापत्ति की दृष्टि से प्रजापति क्या है, लोक देवता और काल तीनों का संवेद स्वरूप प्रजापति है। तो काल विशेष को क्या किया, प्रक्षिप्त किया, काल विशेष को काल विशेष का आधान कर दिया, अर्थात सिर के स्थान पर कौन हो गया, ब्रह्म मुहूर्त, या जो हमारा सिर है ब्रह्म मुहूर्त, मैं अश्व हूँ और मेरा सिर ब्रह्म मुहूर्त है, यह उपासना का प्रकार बन गया। यज्ञशाला वाला तो वो हो गया कि अश्व ये है, उसके सिर में, अपने सिर में नहीं, अश्व के सिर में ब्रह्म मुहूर्त का आरोप किया। अब यहाँ जो अश्वमेध के बिना ही अश्वमेध का फल चाहते हैं उनके लिए क्या हो गया, अपना शरीर मान लो कृत्वर्थ अश्व है, अब उसके सिर में ब्रह्म मुहूर्त की भावना की गई। इससे क्या होगा, एक अंग में ऐसे ही जो जो अंग लिया गया है सब में तत्त्व कहीं काल कहीं देवता कहीं लोक की धारणा परिपुष्ट हो जाएगी, 6 महीने 1 साल में लगेंगे ना, केवल रूपक है कह के छोड़ दिया कुछ नहीं बनेगा, वो तो तादात्म्यापत्ति होनी चाहिए। तादात्म्यापत्ति में समय लगेगा, तब क्या होगा कि प्राजापत्य भाव की प्राप्ति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।